घोसी कोतवाली क्षेत्र के अमीला पुलिस चौकी से महज 200 मीटर दूरी पर अमन ट्रेनिंग सेंटर के संचालक पर शुक्रवार 11:30 बजे अज्ञात बदमाशों ने गोलियां बरसाकर फरार हो गए। घायल ट्रेनिंग सेंटर संचालक को हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही मृतक के गांव व घर में मातम छा गया। बताते चले कि दोहरी घाट थाना क्षेत्र के चुम्मानार गांव निवासी पिंटू राजभर अमन ट्रेनिंग सेंटर का संचालक भी रहता था। प्रतिदिन की भांति पिंटू राजभर शुक्रवार की सुबह लगभग 11:30 बजे अपना ट्रेनिंग सेंटर खोलकर बैठे थे कि मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें पिंटू राजभर को गोली लग गई। फायरिंग की आवाज सुनकर जब तक अगल बगल के लोग पहुंचे तब तक हमलावर फरार हो गए। सूचना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच घायल पिंटू राजभर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोसी भिजवाया, जहां रास्ते में ही पिंटू राजभर की मौत हो गई। आज लगभग 11:30 बजे के आसपास पुलिस को एक सूचना मिली कि पिंटू राजभर नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 28 से 30 वर्ष की है, और जो यहां पर रामलखन इंटर कॉलेज के पास एक रेंट पे जगह लिया था जहां पर वो पोषण विकास केंद्र का काम करता था, और इसके अलावा कुछ लोगों के फॉर्म भी भराता था जिसका वो इस्तेमाल करता था, उनको पासपोर्ट वगैरह बनवाने में उसकी मदद करता था। तो उसको तीन लोगों ने या दो लोगों ने, कितने लोगों ने वो क्लियर नहीं है, गोली मारी, इस तरीके की बात आई थी। मौके पे हम लोग आए हैं, पीडब्ल्यूडी की टीम ने भी मौके पे निरीक्षण किया है, सब एविडेंसेस कलेक्ट किए। जो यहाँ पर मकान मालिक हैं और अन्य जो लोग यहाँ मौजूद थे उन लोगों से जो पूछताछ की है तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि जस घटना से लगभग 15 मिनट से आधा घंटे पूर्व तीन लोगों के साथ ये मृतक वहीं पर घटनास्थल के पास बैठा था, उनसे बात कर रहा था। वहाँ दो लड़कियाँ जो आई थी उन्होंने ये बात देखी भी है और उन लड़कों को उन्होंने देखा है, परंतु उनको नहीं पहचानती है जिनसे ये मृतक बात कर रहा था। और बहुत आशंका है कि जो तीन लड़कों से मृतक लगभग आधा एक घंटा बैठ के बात कर रहा था उन्हीं में से किसी का काम हो सकता है, उनको ट्रेस करने का पूरा प्रयास किया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।